वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जर्न फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे, यह हमारा यूनिट वन का पार्ट थ्री, दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन और आपके जीपैट एग्ज़ाम, नाइपर एग्ज़ाम के लिए, सभी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एकदम परफेक्ट वे के अंदर जो है ना बताने वाला हूँ, मतलब इसके अंदर रहते क्या है, ड्रग्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, यूजर्स, मैकेनिज्म, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द PCI देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्माकोलॉजी का डिस्कशन चल रहा था, उसमें हमने यूनिट वन, दैट इज़ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर जो है ना फर्स्ट का टॉपिक और सेकेंड का टॉपिक हमने कम्प्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो इसको ख़त्म करते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से जो है ना PPT नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीजेस बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। मतलब वो कंडीशन जहाँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होती है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80, ठीक है, जहाँ 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। अगर इससे अधिक हो गया ब्लड प्रेशर तो उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। देयरफॉर टू डिलीवर ब्लड टू टिश्यूज द हार्ट वर्क्स हार्डर टू ओवरकम द इंक्रीज्ड सिस्टमिक प्रेशर। या हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ड वर्क करता है, किस लिए, टू डिलीवर द ब्लड टू द टिश्यूज, क्लियर। दिस इंक्रीजेस सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर, पुट स्ट्रेन ऑन द हार्ट एंड अदर आर्टरीज, दस रिजल्टिंग इन हाई ब्लड प्रेशर। इस तरीके से अगर ब्लड हमारा हार्ट अगर हार्ड वर्क करेगा तो वो स्ट्रेन पैदा करेगा हार्ट में और आर्टरीज में, जिससे आपका टेंशन बढ़ेगा। देन हाइपरटेंशन इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर पर्टिकुलरली सीन पास्ट मिडल एज के अंदर जो है ना, मतलब 30s-40s के अंदर ये एक कॉमन सा एक हाइपरटेंशन है, ठीक है। बहुत सारे टेंशन्स रहते हैं इंसान को, ओके, काम का टेंशन, वो टेंशन, इस टेंशन में जो है ना उसके हार्ट, उसका हार्ट जो है ना वो ज़्यादा काम करने लगता है, मतलब ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगता है, ठीक है। उसका हम इलाज भी बताएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सीवियरिटी हाइपरटेंशन कैन बी ग्रेडेड एज। हाइपरटेंशन को किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इज माइल्ड, जहाँ पर डायस्टोलिक 104 mmHg रहता है। नेक्स्ट मॉडरेट 105-114 mmHg। सीवियर, जहाँ डायस्टोल मोर देन 115 mmHg। हमारा नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री से हम क्लासीफाई करेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मतलब 120/80, जहाँ पर 80 ये है हमारा डायस्टोल। भाई डायस्टोल ब्लड प्रेशर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ये प्रेशर है ब्लड एग्जर्ट्स विद इन द आर्टरीज बिटवीन द हार्ट बीट्स, ओके। ये आर्टरीज के अंदर होने वाला प्रेशर है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर होने वाला प्रेशर है। अभी सिस्टोलिक प्रेशर ये क्या है, ये प्रेशर एग्जर्टेड व्हेन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू आर्टरीज, जब ब्लड जो है ना इजेक्ट होता है आर्टरीज के अंदर, तब का प्रेशर है ये सिस्टोलिक। और जब ब्लड जो है ना विद इन द आर्टरीज बिटवीन द हार्ट के अंदर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, सिम्टम्स की अगर बात करें तो चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन के, देन ईयर नॉइज और बजिंग, विजन चेंजेस, इररेगुलर हार्ट बीट्स, ये सब सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हमारा डायूरेटिक्स, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स आते हैं, क्लोरथायोडोन आते हैं, देन इंडापामाइड आता है। उसके अंदर नेक्स्ट इज़ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, जिसमें फ्यूरोसामाइड आते हैं, टॉर्सीमाइड। नेक्स्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, दैट इज स्पिरनोलैक्टोन और अमेलोराइड। नेक्स्ट ACE इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, फिसिनोप्रिल। नेक्स्ट एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, लोसार्टन, कैंडिसार्टन, इबरसार्टन, वालसार्टन, टेलमिसार्टन। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, अल्सकाइरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, डिलिटाजम, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, अम्लोडिपिन, ये सभी जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। नेक्स्ट इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल एक्सेट्रा। तो वन बाय वन हम उसको स्टडी करेंगे, इनके सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है, पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सब कुछ देखेंगे गाइस। चलिए डायूरेटिक्स, सबसे पहले डायूरेटिक्स होते क्या है,
देखिए डायूरेटिक्स जो है ना ड्रग्स प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट, इसको हम क्या कहते हैं डायूरेटिक्स कहते हैं। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनीज एंड एक्सक्रीट वाटर एंड आयन्स लाइक सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स इज दैट दे प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। ठीक है, वो क्या करेंगे बाहर डालेंगे वाटर को और सोडियम को, जहाँ अगर वाटर और सोडियम बॉडी से बाहर चले गया तो डिक्रीज्ड प्लाज्मा वॉल्यूम दैट लीड्स टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड ऑटोमेटिकली आपका बीपी जो है ना नॉर्मल हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज्ड बॉडी सोडियम क्या होगा रिलैक्सेशन ऑफ द वैस्कुलर स्मूथ मसल एंड डिक्रीजेस PVR दैट इज पोस्ट वाइड रेसिडुअल एंड डिक्रीजेस BP। ये हमारा डायूरेटिक्स हो गया। नेक्स्ट अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स की बात करें, देर आर थ्री कॉमनली यूज्ड डायूरेटिक्स। सबसे पहले अजाइड और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। अभी ये होते क्या गाइस, इनके एग्जांपल हाइड्रोक्लोरथायाजाइड क्लोरथायडोन और इंडापामाइड। यहाँ देखिए आपका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बस इसी से आप जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी कर सकते हो। देखिए गाइस, दे इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम आयन्स बाय इनहिबिटिंग द सोडियम क्लोराइड पंप इन अर्ली सेगमेंट ऑफ द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल। दिस इनिशियली रिड्यूसेस द प्लाज्मा वॉल्यूम एंड डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। अभी ये थायाजाइड और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स करते क्या हैं, ये जो है ना ये आपको सोडियम दिख रहा है, ये सोडियम आयन्स को इंक्रीज कर देंगे एक्सक्रीट होने में। क्लियर, ज़्यादा सोडियम आयन्स एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी के अंदर। अभी कैसा एक्सक्रीट होगा गाइस, ये करते क्या हैं, ये सोडियम चैनल और क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ये सोडियम क्लोराइड फिर से हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ना जा सके, इसलिए इन्हें ब्लॉक करके जस्ट अगर मतलब कलेक्टिंग ट्यूबल्स कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्टिंग ट्यूब से इसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरीके से ये फिर से हमारे सोडियम क्लोराइड अंदर नहीं जाते सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, और इसका ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूबवेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूबवेल के अंदर। नेक्स्ट लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स एग्जांपल्स फिरोसोमाइड और टॉर्सिमाइड। अगर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दीज डायूरेटिक्स एक्ट एट द थिक एक्सेंडिंग लूप ऑफ द हेनली टू प्रिवेंट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द क्लोराइड आयन्स एंड सोडियम आयन्स फ्रॉम यूरिन। मतलब यूरिन से सोडियम और क्लोराइड आयन का रीअब्सॉर्प्शन होने को बचाना, सोडियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब होने के लिए नहीं देना इन द सिस्टम इज सर्कुलेशन, वही है इसका मैकेनिज्म। और यह है गुड थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स अगर कंपेयर करें तो उनसे लूप डायूरेटिक्स बेहतरीन काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारा थिक हेनलीज लूप है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, ये थिक हेनलीज लूप के अंदर ये एक्ट दिखाते हैं और यहाँ रीअब्सॉर्प्शन होने नहीं देते सोडियम और क्लोराइड को सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। देखिए एग्जाम्पल स्पिरनोलैक्टिन एमिलोराइड और ट्रायमेंटेरिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, नाम के अंदर ही बता रहा है। पोटेशियम स्पेयर मतलब पोटेशियम को बॉडी के अंदर रहने देना और सोडियम और दूसरे आयन्स को बाहर निकालना। दीज डायूरेटिक्स डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर वाइल प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन। पोटेशियम के लॉस को बचाया जाएगा, सोडियम और वाटर को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अल्डोस्टिरोन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए अल्डोस्टिरोन इज़ अ हार्मोन दैट इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अल्डोस्टिरोन ये एक हार्मोन है जो किडनी के पास पाया जाता है, ये रीअब्सॉर्प्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज ड्रग्स मतलब ये जो है ना हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये क्या करेंगे इनहिबिट कर देंगे अल्डोस्टिरोन एक्टिविटी को। अगर अल्डोस्टिरोन एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा सोडियम और वाटर का। अगर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सोडियम और वाटर जो है ना बॉडी से बाहर चले जाएगा और बीपी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट थेरेपेटिक यूजेस। थायाजाइड आर यूज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक हार्ट फेल्यूर। देन कॉम्बिनेशन ऑफ थायाजाइड एंड पोटेशियम स्पेयरिंग आर इन फिक्स्ड यूज टू रिड्यूस द मैग्नीशियम एंड पोटेशियम वेस्टिंग। डायूरेटिक्स आर ऑफन यूज्ड इन ओबेस एल्डरली एंड डायबिटिक पेशेंट्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स एंड डिक्रीज द ऑस्टियोपोरोसिस। ओके,
कैल्शियम की प्रॉब्लम को भी ये रोक सकते हैं। स्पिरनोलैक्टिन इज़ यूज टू ट्रीट द हार्ट फेलियर। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो मे कॉज मेटाबॉलिक इफेक्ट्स सच एज हाइपरकैलेमिया, मतलब ज़्यादा कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना, ज़्यादा पोटेशियम का डिपॉजिट हो जाना, सोडियम का ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सभी साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ACE इनहिबिटर्स। इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, रामेप्रिल, फोसिनोप्रिल एग्जांपल। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें आपको दिख रहा है, बस उधर ही आपको समझ लेना है। ओके, देखिए दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द ACE एंजाइम्स। ये आपको जो दिख रहा है ना ACE एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को इनहिबिट किया जाएगा ये ACE इनहिबिटर्स के द्वारा, मतलब ये कैप्टोप्रिल एनालप्रिल के द्वारा ACE एंजाइम्स को इनहिबिट किया जाएगा। अभी ये ACE एंजाइम्स करते क्या हैं, ये ACE एंजाइम्स एंजियोटेंशन 1 और एंजियोटेंशन 1 एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE इनहिबिटर्स। अगर एंजियोटेंशन 1 एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तभी BP बढ़ेगा हमारा, क्या होगा, BP इंक्रीज़ होगा। हाँ, अगर एंजियोटेंशन 1 एंजियोटेंशन 2 में अगर कन्वर्ट नहीं होगा, ओके, तब हमारा BP क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी नहीं होगा मतलब ACE इनहिबिटर्स जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, वो क्या करेंगे, ACE एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगे, बस इतना आपको याद रखना है। दे कॉम्पिटेटली इनहिबिट द कन्वर्शन ऑफ एंजियोटेंशन 1 to 2। दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द लेवल ऑफ एंजियोटेंशन 2 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कंस्ट्रक्शन, मतलब एंजियोटेंशन 2 वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एंजियोटेंशन 2 कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ACE इनहिबिटर्स डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंशन 2, एज ए रिजल्ट वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर आर रिड्यूस्ड। थेरेप्टिक यूजेस, दे आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। 50% ऑफ द पेशेंट्स आर रेस्पॉन्ड फॉर दिस ACE इनहिबिटर्स। दे आर यूज इन कंजक्टिव हार्ट फेल्यूअर, दे आर यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, दे आर यूज इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। समझ रहे हैं ना आप। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो डिजीनेस, लॉस ऑफ टेस्ट, सीवियर हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, मतलब लेस सोडियम का मौजूद रहना बॉडी के अंदर, ड्राई कफ। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एग्जांपल देखिए वेरापेमिल, डिलिटाजिम, निफिडपाइन, फेलुडिपाइन, अम्लोडिपाइन एक्सेट्रा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर कॉमनली यूज्ड हाइपरटेंसिव एजेंट्स, और ये कॉमन यूज होते हैं हाइपरटेंशन के अंदर। देखिए दे आर सेफली यूज्ड इन हाइपरटेंशन विथ अस्थमा, रिनल डिसइंफेक्शन, रिनल डिसफंक्शन और डायबिटिक मेलिटस। दे इनहिबिट द कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मतलब कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देंगे, ओके, इनहिबिट मतलब ब्लॉक कर देंगे। दे आर पर्टिकुलरली यूज इन एल्डरली पेशेंट्स, कैन बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी में भी सेफली दे सकते हैं हम, ठीक है। आप जैसे कि देखे होंगे ये कॉमन ड्रग दिया जाता है अम्लोडिपिन, दैट इज़ अम्लोकाइन 5 mg इन प्रेगनेंसी, और निफिडिपिन दिया जाता है, डिपिन 5 mg कह के, मतलब ये सभी सेफ ड्रग्स हैं इन प्रेगनेंसी अंडर द डॉक्टर्स सुपरविजन। क्लासिफिकेशन ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फिनाइल अल्कालामाइन वेरापेमिल, देन बेंजोथायजिपिन, डिलिटेजिम, डाइहाइड्रोपायरिडिन्स, निफिडिपिन, फेलुडिपिन एंड अम्लोडिपिन। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है, सॉरी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देना है और कैल्शियम को अंदर आने से बचा लेना है, इतना ही बस। CCBs act by blocking cell membrane of calcium influx, they reduce the blood pressure by peripheral vasodilation and negative inotropic effect, ठीक है। ये किस तरीके से डिक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर को, बाय डाइलेशन, वैसोडाइलेशन और इम्पैक्टिंग द नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देते, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट थेरेपेटिक यूजेस, दे आर यूज्ड इन बीटा, यूज्ड विथ बीटा ब्लॉकर्स, अगर बीटा ब्लॉक, दे आर यूज्ड इन विच बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अगर बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस, दे आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, दे आर यूज्ड इन टेकीकार्डिया, अगर हमारा हार्ट बीट के 100 से ज़्यादा हो रहा है उसको हम टेकीकार्डिया कंडीशन कहते हैं, उसमें भी हम दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स, यही डिजीनेस, हेडेक, रैशेस, ओके, जिंजाइवल हाइपरप्लाजिया, यह है हमारा जिंजाइवल हाइपरप्लाजिया, जहाँ आपके गम्स इन्फ्लेम हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द प्लेक्स। नेक्स्ट वैसो डायलेटर्स,
वैसोडाइलेटर्स, मतलब ये ऐसे ड्रग्स है जो वेजल्स को डाइलेट कर देते हैं। ये हमारा नॉर्मल आर्टरीज़ है, अगर आर्टरीज अगर डाइलेट हो जाएंगे तो इस तरीके से बनेंगे, ओके, जहाँ हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। दे कॉज वैसोडाइलेशन बाय डायरेक्टली रिलैक्सिंग द वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। वैसोडाइलेटर्स रिड्यूस द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, थस करेक्ट द हाइपोडायनेमिक अबनॉर्मलिटीज़, और दे आर इफेक्टिव टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। वैसोडाइलेटर्स डू नॉट कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब वैसोडाइलेटर्स, इनकी एक खूबी है वो जो है ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को कॉज नहीं करते। अब ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता क्या है गाइस? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब चंद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो करते क्या है, ब्लड प्रेशर को इतना गिरा देते हैं, मतलब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, डिजीनेस आएगा, ओके, इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन वैसोडाइलेटर एक ऐसा ड्रग है जहां आपको हाइपोटेंशन होने नहीं देगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने के लिए नहीं देगा, समझ रहे ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वैसोडाइलेटर्स डाइलेट्स द ब्लड वेजल्स बाय एक्टिवेटिंग द पोटेशियम चैनल्स इन वेरियस स्मूथ मसल्स। रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस, एग्जाम्पल मिनोक्सिडिल एंड डाइऑक्साइड और अदर क्लास ड्रग्स कॉल्ड नाइट्रो वैसोडाइलेटर, दैट इज नाइट्रोप्रोसाइड, एक्टिवेट्स द CGMP एंड कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स एंड डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। ये क्या करेंगे, नाइट्रोप्रोसाइड जो एक वैसोडाइलेटर है ये इंक्रीज़ कर देंगे या एक्टिवेट कर देंगे CGMP साइकिल को, और वो CGMP साइकिल एक्टिवेट होना रिलैक्स कर देगा ब्लड वेजल्स को, जहां BP हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, थेरापेटिक यूजेस, नाइट्रोप्रोसाइड्स इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, इट इज़ यूज्ड इन मायोकार्डियल वर्क टू बी रिड्यूस्ड फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, एडवर्स इफेक्ट्स टेकिकार्डिया, नेसल कंजक्शन, हेडेक एंड फ्लूइड रिटेंशन। तो ये हो गया हमारा एडवर्स इफेक्ट्स और थेरापेटिक यूजेस। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर्स, वैस बीटा ब्लॉकर्स एग्जांपल आपको दिख रहे हैं मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल। देखिए बीटा ब्लॉकर्स, दीज आर द एजेंट्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग, ओके, इनहिबिटिंग द एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द बीटा रिसेप्टर्स। इसको हम ADRE, इसको एस को जो है ना ए कर देना, करेक्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PPT नोट्स। ये जो है ना एजेंट्स, दे विल इनहिबिट द एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स जो बीटा रिसेप्टर से फॉलो होते हैं, और दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एसेंशियल हाइपरटेंशन। मैकेनिज्म की बात करें, द बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हार्ट, थस दे शो नेगेटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट एंड डिक्रीज इन द BP, के दे ऑल्सो डिक्रीज द रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनीज, ठीक है, रेनिन का भी डिक्रीज ये करते हैं। अगर रेनिन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। थेरापेटिक यूजेस, दे आर यूज इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दे आर यूज इन सिस्टमिक सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, यंग पेशेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिव टू मोनोथेरेपी विद द बीटा ब्लॉकर्स। मतलब बस मोनोथेरेपी मतलब एक ही सिंगल ड्रग से, सिंगल बीटा ब्लॉकर से जो है ना हम BP को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स, फैटिक, ब्रेडिकार्डिया, लोअरिंग HDL कोलेस्ट्रॉल, विविड ड्रीम्स मतलब हेलुसिनेशंस के तरह तरह के सपने आना। तो ये हो गया गाइज हमारा बीटा ब्लॉकर्स। तो हमने इस वीडियो के अंदर टोटली हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो ज़रा बराबर भी अगर अच्छा लगा, को अच्छा महसूस हुआ, समझ में आया टॉपिक, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और ये PPT नोट्स है, ठीक है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, एक पैसा भी ना देके, ओके, बगैर 1 पिन्नी ऑफ रुपी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और स्टडी कीजिए, ओके, और बगैर सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। थैंक यू।